से कवर करना पड़ेगा स्पॉट वन से यहाँ पे सही क्यों गया कनेक्शन यहाँ पे ढूंढने कुछ लेकिन वो कनेक्शन स्टिल नहीं मिल पा रहा है रिवाइवल यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे ट्राई करेंगे क्या ये रिवाइवल यहाँ पे अलाउ करेंगे लिए इसकी मरी एक ग्रेनेड यहाँ पे डिसाइड साबित हो सकता है चाहे वो टीम कोई भी रहे चार टीमें यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं एग्जैक्टली गॉडविन की तरफ से ये ग्रेनेड जाता हुआ कनेक्शन क्या यहाँ पे थोड़ा सा था तो शायद ये कनेक्शन यहाँ पे ढूंढा आसानी नहीं लेकिन स्टिल वंस अगेन यहाँ पे क्लच गॉड को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया न्यू वंस अगेन यहाँ पे रिवाइवल की तरफ जा रहा लेकिन इस बीच एक साथ रिक्स को बाहर करते हैं एक बाकी टीम को इस मैच से एलिमिनेट किया गया जो कि सबसे अच्छी दावेदारी रख रहे थे चिकन के लिए चारों प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करते लेकिन एलियस के पास मौका अभी नहीं तो कभी नहीं अगर आपने टीम गॉडलाइन को कमबैक करने का मौका दे दिया तो आपके लिए फिलहाल यहाँ पे कोई रास्ता नहीं चलेगी गॉडविन की एंट्री आती गॉडविन की एंट्री उसी तरीके से बाहर भी चली जाती है ना अब 1v2 का ये बैटल हो चुका है टीम गॉडलाइन जो कि कोई चांस नहीं था इस मैच को निकालने के लेकिन इस अनिश्चितताओं के खेल में टीम गॉडलाइन ने साबित किया कि हम हर बार आएंगे जिकर लेके जाएंगे आप रोक सकते हो तो रोक लो लेकिन यहाँ पे एलियस के 12 AKM आप इनके डिफेंस देखिए बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया गया लेकिन क्लच गॉड की भी हालत उतनी कुछ खास अच्छी नहीं है न्यू डिफेंस अच्छा है गन बहुत डेंजरस दोनों ही प्लेयर के पास है क्रोजा एंड एमके का कॉम्बो अगर आप एक साथ आगे लेके जाओगे किसी भी टीम्स के लिए किसी भी प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इस पॉइंट से 12 के पास एक ही ऑप्शन है कि डू और डाई ग्रेनेड बैन यहाँ पे थ्रो करने की कोशिश की जा रही है क्या कनेक्शन टूट पाएंगे ओके चांसेस काफी हाई थे यहाँ पे गेम्स ओवर उसी तरीके से जो लैंडिंग की आवश्यकता थी वो लैंडिंग मिला देखिए बैन सामने की तरफ यहाँ पे पार्क कर दिया गया कुछ मीटर अगर यहाँ पे बैन आगे थ्रो होता तो इनके हेलमेट में अगर टच होता तो आप इनकी हेलमेट देखिए वो स्लाइक नहीं था कि ये अपने आप को संभाल के रख सर्कल का यहाँ पे सिंक ऑन हो चुका है एंड अब इस सर्कल के सिंक के साथ टीम गॉडलाइक को आगे जाना पड़ेगा क्या 12 इसको रोक पाएंगे क्योंकि उनके पास एक अच्छा सॉलिड कवर है सर्कल के सेंटर पे ये उनके पास एक प्लस पॉइंट है लेकिन 2 मीटर आगे जाएंगे टीम गॉडलाइक भी अपने आप को सर्कल में पा सकते हैं तो ये बैटल थोड़ा और लंबा खींचेगा या फिर हमें डिसाइडर इसके साथ ही पता चले गॉडलाइक देखिए मैन एडवांटेज है उनके पास गन गेम है उनके पास सब है लेकिन पेशेंस के साथ रखे हुए जल्दबाजी नहीं कर रहे उनको पता है यहाँ से जल्दबाजी करना उनके लिए भी भारी पड़ सकती है क्योंकि उनके पास भी एक प्लेयर के पास डिफेंस बिल्कुल ना के बराबर है न्यू के पास जरूर से डिफेंस है लेकिन वो कुछ खास है तेजी साबित हो गई क्लच की बात करें आप फाइनली उठा आ चुका क्या वेट करेंगे या फिर आगे जाएंगे वापस से ये चीजें वापस से दोहरा रहे ये एक बार जोनाथन कर चुके हैं जो कि मैं सारे प्लेयर्स को सारी जनता को पता है कि ये किसका सिंबल है और एग्जैक्टली वंस अगेन डांसिंग विद इमोट्स के साथ यहाँ पे ट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है और कुछ याद आ गया गेम्स में बस यही बोल रहा कुछ याद आ गया टीम गॉडलाइक फाइनली यहां पे डिसाइड किया कि चले करेंगे ताकि यहां पे न्यू एमके के साथ क्रोजा के साथ यहां पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं एमके के साथ जाएंगे फाइनली 12 करेंगे टीम गॉडलाइक वंस अगेन यहां पे विनर